तो एक यूएफओ लग रहा है, सीधा जंगल में जाके लैंड कर रहा है। मैं जाके देखता हूँ। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। यही रहना, हम तुम्हें वापस लेने आएंगे। किस प्लेनेट से आए हो? मेरा नाम टूटू है, मैं टर्टल प्लेनेट का प्रिंस हूँ। ट्रोजन मुझे कैद करके खुद राजा बनना चाहता है, इसीलिए मेरे बॉडीगार्ड्स मुझे यहाँ छुपा के चले गए थे। अब कोई ट्रोजन तुम्हें तंग नहीं करेगा, तुम थक गए हो, अभी सो जाओ, कल सुबह बात करेंगे। वो क्या है? पहले कभी ऐसा जीव नहीं देखा। वो आ गया, ट्रोजन आ गया वीर। तुम घबरा मत टूटू, मैं तुम्हें इंसाफ दिला कर रहूंगा। मेरे रहते ये ट्रोजन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतनी जल्दी क्यों चला गया? हम लोग ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, कुछ देर और यहाँ रुके तो मैं जम जाऊंगा। ये पानी नॉर्मल टेम्परेचर का है, तुम इसके अंदर रहो, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। मैं अभी उसे निपट के आता हूँ। Come on, Trojan, let's fight! टूटू को मुझे दे दो और खुद को बचा लो, वरना ट्रोजन के गुस्से से कोई बच नहीं सकता। टूटू मेरा दोस्त भी है और मेरा मेहमान भी, वो तुम्हें नहीं मिलेगा। एलियन सच में होते हैं आज पता चला, ऐसा लगता है रोबो बॉय जीत नहीं पाएगा। तुम दोनों मेरे ही पीछे क्यों पड़े हो? ये!
इसे ठंड अच्छी नहीं लगती। चलो देखते हैं कितनी ठंड बर्दाश्त कर सकता है ये। वीर बस करो, हाइट बहुत बढ़ गई है, नीचे आ जाओ वरना तुम्हारा पूरा सिस्टम जाम हो जाएगा। वीर सुन रहे हो? वीर दादाजी, टूटू को बचाने का एक ही तरीका है। सच्चाई की जीत, बुराई की हार, यही है वीर का इंसाफ। बच्चों, तुम सबको भूख लगी होगी, देखो मैंने तुम सबके लिए गाजर का हलवा बनाया है। वाह, गाजर का हलवा। थैंक यू दादाजी। दादाजी चाट नहीं बनाई, मुझे सिर्फ गाजर खानी है दादाजी। ठीक है ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए चाट और गाजर का बंदोबस्त करता हूँ। हेलो, क्या तुम गाजर का हलवा खाओगे? हाँ थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ए राजा राणा राका, इधर देखो। परफेक्ट फिट। आज रात भर फुर्सतगंज में भूत बंदर की खबर फैलाकर सबको डरा देंगे। मैं किसी को मार कर छुप जाऊंगा और राजा दूसरी छत पे दिखेगा। फिर राजा छुप जाएगा और मैं तीसरी रूफ में दिखूंगा। हमें भूत समझ के डर के मारे कोई बाहर नहीं निकलेगा। किसी को शक भी नहीं होगा कि हम भूत नहीं इंसान हैं। पूरे शहर में आतंक का माहौल है। भूत बंदर ने सबको परेशान कर रखा है और उसका फायदा उठा रहे हैं चोर लुटेरे। लोग डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल रहे और जगह जगह पर चोरियां हो रही हैं। ये किसी चोर का ही काम है, हमें उसे पकड़ना होगा। तुम हो भूत बंदर, मुझे पहले से ही शक था। हाँ?
टीम होशियार, कोई मेरे पीछे पड़ा है, वो उड़ता भी है। पता नहीं क्या चीज है, देखने में तो लड़के जैसा ही है। होल टीम बैक टू बेस, सब लोग बेस में वापस आओ फौरन। रोबो बॉय, आप जानते हैं भूत बंदर से डर के लोग शहर छोड़कर जा रहे हैं। वो भूत नहीं, कोई चोरों का गैंग है जो भूत बन के लोगों को डरा रहे हैं। मैं उन्हें पकड़ लूंगा। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि शहर छोड़ के ना जाए और मुझ पे भरोसा रखें। मैं फुर्सतगंज बैंक का मैनेजर हूँ, मैं आपके कहने पर रुक नहीं सकता। 2 दिन पहले ही 20 करोड़ का सोना मेरी तिजोरी में आया है। मैं उसे कल दूसरे शहर की ब्रांच में ले जाऊंगा। मैं रिस्क नहीं ले सकता, मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स भूत के डर से नौकरी छोड़कर भाग गए हैं। भूतों से भला कौन लड़ सकता है। अरे सुनिए तो सर, मुझे कुछ दिन दीजिए, मैं उनका पर्दा फाश करके रहूंगा। क्या लोगों का वीर के इंसाफ से भरोसा उठ गया है? क्या वीर फुर्सतगंज के लोगों को इंसाफ दिला पाएगा? आइए देखते हैं एक ब्रेक के बाद। फुर्सतगंज में 20 करोड़ का सोना है जो कल चला जाएगा। कल किसने देखा है, टुमारो नेवर कम्स। मैंने आपके कहने पे टीवी में सबके सामने 20 करोड़ के सोने की बात कही है। भूत बंदर ने टीवी जरूर देखा होगा, कहीं वो चोरी करके ले गया तो। मैंने आपसे टीवी के सामने सोने की बात इसीलिए कहलवाई थी कि चोर देख ले। अब वो चोरी करने जरूर आएंगे और आज ही आएंगे, फिर मैं उन्हें पकड़ लूंगा। इस मैप के हिसाब से बैंक ऊपर ही होना चाहिए। लेट्स सी। टुमारो नेवर कम्स, बैंक मैनेजर साहब, टुमारो नेवर कम्स। ये क्या था? एक्सरे विजन ऑन। ओह नो, क्या हुआ? पूरी तिजोरी चोरी हो गई। शाकाल, रोबो बॉय आ रहा है, स्पीड बढ़ाओ। उफ, मेरा जेटपैक डैमेज हो गया, मैं तो उड़ ही नहीं सकता। Tomorrow never comes. Bye bye, Robo Boy. Bye bye. खत्म कर दो इसे। सरेंडर कर दो। टुमारो नेवर कम्स, आज ही तुम्हारा खेल खत्म कर देता हूँ। देखने में बच्चे जैसे हो, लेकिन हो इतने शक्तिशाली। तुम हो कौन? अच्छाई का दोस्त, बुराई का दुश्मन, नाम है वीर। एक बार फिर वीर ने फुर्सतगंज के लोगों को इंसाफ दिलाया और अपना भरोसा टूटने नहीं दिया। भूत बंदर ग्रुप का पर्दा फाश हो गया है और सभी चोर जेल में हैं।
फुर्सतगंज के लोग वीर को थैंक यू बोल रहे हैं। थैंक यू वीर, थैंक यू सो मच। वीर वीर वीर, मैं इस वीर को कैसे खत्म करूं समझ नहीं आ रहा। बॉस, उसे खत्म करते करते आप खुद खत्म मत हो जाना। शट अप, तुम मेरी साइड हो या उसकी साइड? वो तो कोई यूएफओ है, जल्दी चलो। ये एलियन तो होश में नहीं है। ये डायमंड कैसा है? ये डायमंड स्पेसशिप को पावर देता है। जब तक ये मेरे पास है, हम इस स्टार एलियन को अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे मैं वीर को खत्म करवाऊंगा। एलियन स्टार को होश आ गया बॉस। अलाउ, क्या तुम हमारी भाषा समझते हो? मेरा स्पेसशिप का एक्सीडेंट हो गया है। अरे, मेरा पावर डायमंड कहाँ है? वो वीर नाम का एक खराब लड़का ले गया है। उसके बिना मेरा शिप नहीं चलेगा, मैं वापस कैसे जाऊंगा? तुम्हें वीर को खत्म करना होगा। वीर कहाँ है? मैं उससे लड़ूंगा। तुम लोग एक मिनट बाहर जाओ, मुझे युद्ध की तैयारी करनी है। कौन हो तुम और क्या चाहिए? यही है वो वीर, खत्म कर दो इसे। दादाजी, जल्दी चलिए। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। अब वीर नहीं बचेगा, मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा। वो देखो, वो रहा एलियन स्पेसशिप। इसके अंदर चलने से ही कुछ जानकारी मिल सकती है। इमली, हमारे अंदर भी स्टार पावर्स आ गई हैं। चलो वीर की मदद करते हैं। इमली, दादाजी, ये आप लोगों को क्या हो गया? हम स्टार पावर लेकर आ रहे हैं। लेट्स फाइट। मेरी स्टार पावर्स लेकर आए हो, लेकिन कोई नहीं बचेगा। नो, मेरी स्टार पावर खत्म हो गई।
बैठते जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं है कि तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो। तुम एलियन हो, मैड मैक्स के गुलाम नहीं हो। वादा करो लड़ोगे नहीं तो मैं तुम्हें अभी ऊपर खींच लूँगा। हम आपस में मिलकर बात कर सकते हैं, तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तुम लोग अच्छे लोग हो, फिर मेरा पावर डायमंड क्यों लेकर आ गए? वो वापस कर दो, मैं चला जाऊंगा। उसके बिना मेरा स्पेसशिप चल नहीं सकता। पावर डायमंड? कौन सा पावर डायमंड? मेरे पास तुम्हारा कोई डायमंड नहीं है। मुझे मैड मैक्स ने बताया कि तुम्हारे पास है डायमंड। तो इसलिए तुम मुझे मार रहे थे? लेकिन उसने तुम्हें झूठ कहा है। मेरे पास तुम्हारा डायमंड नहीं है, जरूर मैड मैक्स के पास तुम्हारा डायमंड होगा। मैड मैक्स ने तुमसे झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया। मैं वादा करता हूँ तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाऊंगा और तुम्हारा पावर डायमंड वापस लाऊंगा। चलो ये स्पेसशिप कहीं ले जाकर छुपा देते हैं। वो देखो मेरा स्टार डायमंड मैड मैक्स के पास ही है। तुम सही थे। मैड मैक्स, स्टार एलियन का डायमंड दे दो। ट्विंकल ट्विंकल माय लिटिल स्टार, आई हैव डायमंड एंड पावर यार। अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, नाउ यू विल फ्लाई इन द स्काई। मुझे भी ले चलो बॉस। तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम लोगों से लड़ने के लिए माफी चाहता हूँ। बाय, फिर मिलेंगे। बाय। मैड मैक्स। बॉस, वीर ने तो अपना इंसाफ कर दिया और आपका प्लान फिर से फेल कर दिया। टिम्बक्टू, तुम मेरी तरफ हो या उसकी तरफ हो, मैड मैक्स इज मैड, वेरी वेरी मैड। वीर, तुम कब तक बचोगे? तुम जहां भी होगे मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। बॉस, यू जीनियस, सुपर डुपर जीनियस, आपसे वो कब तक बच सकता है? शी इज राइट बॉस, शी इज राइट। तुम चुप रहो, तुम निकम्मे हो, नाकारा हो, यूज़लेस हो। यू आर राइट बॉस, यू आर राइट। अब ये मेरा गिट डॉक्टर प्रेम सहाय की रोबोट को ढूंढ के पकड़ लेगा और मेरे सामने लेकर आएगा। बॉस, इसे जो कहिए वो करेगा। यस यस, इसे जो भी कहेंगे वो ही करेगा। ट्राई करके देखो, ट्राई करो। मैं तो एक ही चीज टेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि जब डॉक्टर प्रेम मिलेगा मैं यही बोलूंगा, अटैक अटैक अटैक। बेवकूफ, क्या ऑर्डर दे दिया? स्टॉप स्टॉप, मुझे छोड़ो और जाओ डॉक्टर प्रेम सहाय के रोबोट को ढूंढ के पकड़ो और यहाँ लेकर आओ। बाकी बच्चे सेकेंड राउंड में आएंगे और वीर ध्यान रहे, चुलबुल केबल कार में नहीं आएगा। आई बात समझ में? ओके मैम। ओहो, तुम एक दिन भी चुलबुल को छोड़ के नहीं आ सकते थे? ये अपने डोंकी के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि दोनों सगे भाई जो हैं। Oh!
नजारा है, लग रहा है यहाँ से। कितनी ऊपर आ गए। क्या हो रहा है मिस, ये क्या हो रहा है? ये क्या हुआ? केबल कार रुक कैसे गई? शायद कुछ गड़बड़ हो गई है साहब। कुछ कह नहीं सकते। अब क्या होगा? कब तक ठीक होगी ये केबल कार? कुछ कह नहीं सकते। यहाँ फॉल्ट का पता नहीं चल रहा और मौसम खराब होने के कारण हम हेलीकॉप्टर को भी नहीं बुला सकते। अगर कोई केबल कार की छत पे लगे एक लीवर को घुमा दे तो हम इसे वापस ला सकते हैं। क्या आप में से कोई छत पे जा सकता है? दिमाग तो ठीक है, यहाँ डर के मारे बुरा हाल है और तुम सोचते हो कि हम केबल कार से बाहर निकलेंगे, वो भी छत पे जाने को। मैडम सॉरी टू से, आपको कल सुबह तक वहाँ रहना पड़ सकता है। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कोई तो आए जो हमारी मदद करे। वो कौन पागल है, कहाँ जा रहा है? मुझे उतारो, मुझे उतारो, मुझे घर जाना है, मुझे उतारो, मम्मी पापा। चुप करो, सबसे तगड़े हो और सबसे डरपोक। हुर, मेरे पीछे क्यों पड़ा है? आपने किसको भेजा है हमें बचाने के लिए? मैंने नहीं, लगता है ऊपर वाले ने अपना फरिश्ता भेजा है। मैं नहीं जानता वो कौन है। अरे मेरे पीछे क्यों पड़ा है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? छोड़ ना मुझे। अरे मुझे लिफ्ट नहीं चाहिए। क्या कर रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो? ओ तो तुम रोबोट हो, मैड मैक्स के रोबोट? हाँ, हमारी वजह से पहुंच तो गया। यकीन नहीं होता कोई ऐसा भी कर सकता है। मैडम मैडम, वो लड़का कहाँ गया जिसने आप लोगों को बचाया? मुझे नहीं पता, हम तो उसका चेहरा भी नहीं देख पाए। ऐसा लगता है जैसे ऊपर वाले का ही इंसाफ था कि उस बहादुर बच्चे ने सही समय पर आकर सारे बच्चों को बचा लिया। ऊपर वाले का नहीं, ये वीर का इंसाफ है। वीर, इमली और लो। बस दादाजी, बहुत खा लिया। जिंटू को तो पूछिए, उसकी भूख तो कभी खत्म ही नहीं होती। मैं तो दादाजी के ही पकवान खाऊंगा। दादाजी कब बना रहे हो पकवान? जब बनाऊंगा तो तुम्हें सबसे पहले बुला लूंगा। दोस्तों आज दिवाली है, रात में कौन कौन से पटाखे जलाएंगे? मुझे तो सिर्फ रोशनी वाले पटाखे जलाने हैं, आवाज वाले पटाखे मुझे अच्छे नहीं लगते। वीर आज दिवाली है, ये लो पैसे और पटाखे ले आओ। थैंक यू दादाजी। मैं काल हूँ, काल नहीं विकराल हूँ। ये पटाखे मैं चलाऊंगा, रात को तुम सब आके देखना। मेरे पटाखे वापस दो। ए, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। बंटी इसके पटाखे वापस कर दो अभी। ए, तुम अपना काम करो वरना विकराल को गुस्सा दिलाया तो तुम्हें खत्म कर देगा। अरे सुनो, रोबो बॉय सब बच्चों को दिवाली की बधाई देने फुर्सतगंज चौक पे आज शाम आ रहा है। ये
ये। चलो रोबो बॉय से मिलेंगे। आज शाम रोबो बॉय सब बच्चों को दिवाली विश करने फुर्सतगंज चौक में आएगा। उसने खुद ये लीफलेट्स बांट के सबको संदेश दिया है। रोबो बॉय बच्चों को दिवाली विश करेगा। मैं करने दूंगा तब ना। टिम्बक्तु। टिम्बक्तु, ये सब क्या हो रहा है? बॉस बॉस, आज दिवाली है, हम मिठाई बना रहे हैं बॉस। मेरे फाइटर रोबोट्स को तुमने हलवाई बना दिया है। बंद करो ये सब। और सुनो, आज शाम रोबो बॉय बच्चों को दिवाली की मुबारकबाद देने फुर्सतगंज चौक पे आ रहा है। उसे मेरा फिशरमैन रोबोट रोकेगा। देर की जगमग दिवाली की रात को काली रात में बदल देगा ये। रोबोट, मैं तो एक मामूली इंसान हूँ। वीर द रोबो बॉय बहुत शक्तिशाली है। क्या तुम किसी शक्तिशाली इंसान को भी ऐसे ही फंसा सकते हो? अच्छा, मेरे बॉस बहुत शक्तिशाली हैं। पहले उन्हें फंसा कर दिखाओ। टिम्बक्तु! दोस्तों, दे ताली पे ताली, हैप्पी दिवाली। दे ताली पे ताली, हैप्पी दिवाली। एक बार फिर तुम सबको ए वेरी हैप्पी दिवाली। जाते जाते एक बात कहूँगा कि नॉइजलेस पटाके छोड़ो और इको फ्रेंडली पटाके अपनाओ। एंजॉय, हैव अ ब्लास्ट। अरे पटाखों की फैक्ट्री में आग लग गई, फायर ब्रिगेड बुलाओ। हेल्प, अंदर कई लोग हैं। रोबो बॉय, मेरे पापा अंदर है, वो मेरे साथ बाहर नहीं आए, उन्हें आग से बचा लो प्लीज। अरे बचाओ, अरे बचाओ, मुझे आग से बचाओ प्लीज, कोई बचाओ। फिशरमैन, वीर का अंत मेरे ही हाथों लिखा है। बाय बाय वीर, दे ताली पे ताली, हैप्पी दिवाली। ओ सॉरी, तुम तो ताली देने की पोजीशन में भी नहीं हो। एनीवे, हैप्पी दिवाली वीर। कम ऑन फिशरमैन। रोबो बॉय कहाँ है?
वो फैक्ट्री में है, मेरे पापा को बचाने गया है। वीर बबाल, वीर वीर वीर। अरे वीर अंदर कहाँ है? अंदर तो रोबो बॉय है, तो ये वीर वीर क्यों चला रहे हैं? मेरा वीर अंदर है, उसे कोई बचाओ। वीर, वीर। पापा। हमने सोचा नहीं, मैं ठीक हूँ। दरअसल हुआ ऐसा कि और जैसे ही फिशरमैन रोबोट और टिम्बक्टो बाहर चले गए, मैग्नेटिक पुल ऑन, मैग्नेटिक पुल ऑन। रोबो बॉय जल्दी करो प्लीज। ओके दोस्तों, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। हैप्पी दिवाली। बेताली बेताली हैप्पी दिवाली। तुमने कहा रोबो बॉय खत्म हो गया, लेकिन टीवी में न्यूज आ रही है कि वो बच गया है और उसने फैक्ट्री में सबको बचा लिया। सॉरी बॉस, लेकिन कब तक बचेगा? लो ये मिठाई टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है। आज हम दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। मेरे रोबोट्स को हलवाई मत बना। मैंने फैसला कर लिया है, इस बार फुर्सतगंज में कोई दिवाली नहीं मनाएगा। इस बार फुर्सतगंज में रोशनी नहीं अंधेरा होगा, और ये दिवाली वीर की आखिरी दिवाली होगी। और मेरा ये काम क्राइंग रोबोट करेगा। क्राइंग रोबोट। ये तो खुद रो रहा है, ये किसी और को क्या रुलाएगा? इसमें कौन सी खूबी है बॉस? खूबी वहां देखो, जहां रोबोट के आंसू गिर रहे हैं। You're genius, boss. Meow. She is right, boss. She is right. ये कैसी बकवास रंगोली बनाई है? एकदम बकवास। क्या कर रहे हो? इतनी मेहनत से बनाई थी। इसमें मेहनत का क्या काम है? इससे सुंदर रंगोली तो मैं चुटकियों में बना दूं। मेरे पास स्टेंसिल है, सिर्फ उसे रखना है और उसके बीच में रंग डालना है, तो हो गई रंगोली तैयार। हैप्पी दिवाली, बेताली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। आपको भी मुबारक हो सीना साहब। वो क्या है? हाँ, वो कंदील तो पूरे फुर्सतगंज की बिजली खींच रहा है। सॉरी, डोंट माइंड। फुर्सतगंज के लोगों, अब फुर्सतगंज में अंधेरा ही अंधेरा होगा। नो रोशनी, नो दिवाली, नो उजाला। फुर्सतगंज में दिवाली मनेगी, जरूर मनेगी। दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती।
ये अंधेरा खत्म होगा, फुर्सतगंज जगमगाएगा। तुम क्यों रो रहे हो? Sorry, don't mind. ओहो, ओए ये बिजली कैसे आएगी? अब तो रोबो बॉय का ही सहारा है। Sorry, don't mind. Yeah! अब फुर्सतगंज के इस बहादुर को वहीं ले चलो जहां इसकी दिवाली मनानी है। नहीं बचा सकता, मैं भी नहीं। आई एम ग्लैड, वेरी वेरी ग्लैड। का हुआ अंत, दे ताली पे ताली, हैप्पी दिवाली।